नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, ताकि हो रही घटनाओं पर ब्रेक लग सके। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के लर्निंग लाइसेंस बनाने की कवायद शुरू करने की बात कही है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दे दिया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक आवेदक लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन देते थे। इसके कारण जिन जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य था, वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टैक्स के लिए स्थायी लाइसेंस बना देते थे। इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना तो नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। सभी जिलों के DTO और MVI को लिखे पत्र में विभाग ने इस बात की जानकारी दे दी है और कहा है कि वाहन दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के संबंध में कई पहल की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा किए जाने पर अन्य पहलुओं के अतिरिक्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहन चालकों का पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होना है। इसको देखते हुए ही सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान और खोले जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही साथ संस्थान को मानक रूप से शुरू किया जाए, स्कूल और संस्थान खोलने का काम उच्च प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ बिना निबंधन के ड्राइविंग स्कूल पर शिकंजा कसने की बात भी कही गई है, क्योंकि सामने आ रही खबरों के अनुसार राजधानी में दर्जनों ऐसे ड्राइविंग स्कूल खुल गए हैं जिनके पास किसी तरह का निबंधन है ही नहीं। पटना जिले में 3 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन सहित ऑनलाइन टेस्ट का भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, जिसको लेकर ही हजारों आवेदक जिनका लर्निंग लाइसेंस फेल हो रहा था, उन्होंने दूसरे जिले में जाकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया। स्थायी लाइसेंस के लिए 2300 का चालान कटाना पड़ता है। स्लॉट बुक कराने से अलग से 50 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे में हजारों आवेदकों का लाइसेंस फंस जाता है। वहीं परिवहन विभाग की तरफ से किए गए बदलाव के बाद अब जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया, वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनाया जाएगा। दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसलिए जब भी आप अब अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप जिस जिले से हैं और जहां से आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया है, वहीं से आपको स्थायी लाइसेंस बनवाना होगा। दूसरे जिले के स्थायी लाइसेंस बनाने का विकल्प आपके पास अब मौजूद नहीं होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।